कराची में अमरीकी काउंसलेट की जानिब से मकामी शराकतदारों के साथ हफ्ता कारोबार मनाया गया। तर्जमान अमरीकी काउंसलेट का कहना है कि इन सरगर्मियों का मकसद पाकिस्तान में कारोबारी और तजारती सरगर्मियों के लिए जदीद और साजगार माहौल को फरोग देना है। अमरीकन काउंसलेट की जानिब से कराची में 14-19 नवंबर बैन अल-अक़वामी हफ्ता बराए कारोबार मनाया गया। प्रोग्राम के तहत नए कारोबारी अफराद, तालीमी नुमाइंदगान, नौजवान और सहाफियों के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए गए। पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन की जानिब से सिलिकॉन वैली के ट्रेनर और मारूफ मुकर्रर ऑस्कर गार्शिया को कराची और इस्लामाबाद की तकरीब में शिरकत के लिए मदु किया गया। ऑस्कर गार्शिया अमरीका में कारोबार के लिए नए जहतो जिद्दत लाने वाली कंपनी एस्प्रा के बानी और चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं। अमरीकी कौंसल जनरल नकुल ट्रियो के मुताबिक पाकिस्तान के साथ पायदार ताल्लुकात और अमरीका कदर की निगाह से देखता है। हमारे ख्याल में एक मुस्तहकम, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान ख्वातीन को बाइख्तियार और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए शराकत दारी में इजाफा करने का भी इरादा रखता है, जबकि पाकिस्तान में कारोबार के लिए मुस्बत माहौल की तरवीज और तरक्की के लिए ताउन भी जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करें खेल के मैदानों से और